बलरामपुर में डीएम ने संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचकर दुर्घटना के घायलों का जाना हालचाल, हर संभव मदद और उच्च कोटि के उपचार का दिया भरोसा। 9 जून को जम्मू के रियासी जिले में हुई दुर्घटना में मृतक श्रद्धालुओं के घर सांत्वना देने पहुंचे डीएम श्री अरविंद सिंह, परिजनों को बंधाया ढांढस। संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा है, भविष्य में भी हर प्रकार की मदद के लिए व्यक्तिगत तौर पर तत्पर रहेंगे। डीएम का सीएमओ व सीएमएस संयुक्त चिकित्सालय को सख्त निर्देश, घायलों के इलाज में किसी भी स्तर पर ना हो कोताही, व्यक्तिगत रुचि लेकर बेहतरीन मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के निर्देश, जरूरत पड़े तो घायलों को और उच्च कोटि के उपचार के लिए दिल्ली या लखनऊ भेजने का प्रबंध करेंगे। परिजनों को डीएम द्वारा आश्वासन भी दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, जिसमें माता वैष्णो देवी के दो श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, उसमें कुमारी रूबी और मिस्टर अनुराग, इन लोगों का पार्थिव शरीर आज जनपद जम्मू से जनपद गोंडा में आ गया था देर रात्रि में रेलवे स्टेशन पे। वहां से जनपद बलरामपुर के प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए दो एसडीएम्स और डिप्टी एसपी की टीम के साथ, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और एम्बुलेंस में हम लोगों ने जो है पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान उनके गांव तक पहुंचाया हुआ है। इस वक्त भी गांव में हमारी टीम एसडीएम्स की, मैजिस्ट्रेट की और पुलिस के साथ मौजूद है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।